अगर मैं आपको बताऊं कि आप यहां कैसे पहुंचे और अभी सूर्य देव हल्का माता जी का नाम लेकर इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। बोलो अम्बे माते की जय। जय माता रानी। साथियों आपसे मिलते हैं रास्ते में। तो साथियों दिल्ली से सोनीपत पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र किरतारपुर साहब होते हुए हम बहुत चले थे माँ के धाम के बहुत करीब। देखिए हम जा तो रहे थे कांगड़ा ज्वाला देवी शक्तिपीठ, मगर रास्ते में लगभग 100 किलोमीटर हाँ पूर्व ही पड़ता है बिलासपुर जिले में नैना देवी शक्तिपीठ, या 51 शक्तिपीठों में आता है। इतने करीब की साथियों माँ का भवन अब नजर आ रहा था। अब हम मुखार बिंदु से पहुंचते हुए कुछ सीढ़ियां लगभग 500 होंगी कम से कम इतनी सीढ़ियां को तय करते हुए एकदम प्रवेश बिंदु या प्रवेश द्वार तक पहुंचकर माँ के लिए पुष्प लेकर मंदिर परिसर की तरफ बढ़ गए, क्या लगभग पहुंच गए अंदर आ गए। तो साथियों हम यह मुख्य मंदिर गर्भगृह के एकदम करीब आ गए हैं और दर्शन के लिए कतार पर खड़े हो रहे हैं। लगभग 3:30-4 बजे का वक्त हो रहा है और कुछ इस तरह का माँ नैना देवी का प्रांगण है, बहुत ही सुंदर बहुत ही भव्य बहुत ही दिव्य। जय माता रानी जय माता रानी जय माता दी। साथियों चैत नवरात्रि के चतुर्थी पर हम जिस प्रांगण में हैं वो माँ नैना देवी शक्तिपीठ जिला बिलासपुर राज्य हिमाचल प्रदेश में है। और सामने जो आप देख रहे हैं यह माँ नैना देवी का गर्भगृह है। साथियों यह 51 शक्तिपीठ में से आता है और यहाँ पर माँ सती के दाया नैन गिरे हैं, आँख गिरा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको नैनीताल के भी नैना देवी पर ले गया हूँ, वो भी सती शक्तिपीठ है, वहाँ पे भी आँख गिरा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है नैनीताल में नैना देवी जो शक्तिपीठ है वहाँ माँ सती का बायां आँख गिरा था। और यह जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अभी जिस नैना देवी शक्तिपीठ पर हैं वहाँ माँ सती के दाएं आँख का गिराव हुआ था। साथियों अगर मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ कैसे पहुँचे और मैं अगर रिफरेंस दिल्ली का लूं तो दिल्ली से लगभग यह 350 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे हमें आने पर लगभग 5-6 घंटे लगी। हम अपने स्वयं के कार से आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप हवाई यात्रा कर यहाँ आना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ है जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और रेलवे माध्यम से आना चाह रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आनंदपुर साहब का है जो 30 किलोमीटर यहाँ से है। गाड़ी लगभग बहुत ऊपर तक आ जाती है और आपको लगभग जहाँ तक हम अनुमानता बता रहे हैं 400 से 500 सीढ़ियाँ आया, उससे भी कम सीढ़ियाँ आपको तय करनी पड़ती हैं माता के इस प्रांगण तक आने में। तो यह बात तो हुई कि आप यहाँ पर आए कैसे। देखिए हमारे हिंदू सनातन और भारतवर्ष में शिव और शक्ति की पूजा हर एक भूभाग हर एक कण पर की जाती है। और जैसे सती शक्ति पीठ जाएं तो उस मार्मिक उस पौराणिक कथा से जुड़ना आवश्यक हो जाता है जहां से प्रादुर्भाव इन 51 शक्ति पीठों का होता है। देखिए अभी कुछ प्रस्तुति पहले ही मैंने आपको दक्षेश्वर महादेव कनखल जो हरिद्वार के हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है वह वही स्थान है जहां पर दक्ष बृहस्पति सौ यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में उन्होंने अपने जमाता शिव महादेव को नहीं बुलाया और महादेव के मना करने पर भी उनकी धर्मपत्नी सती उस यज्ञ में सम्मिलित होती हैं। और जब उस यज्ञ में पहुंचती हैं तो महादेव का खूब अपमान करते हैं दक्ष। और जो यज्ञ का भविष्य होता है उसका भाग भी महादेव को नहीं देते हैं। यह पूरा अपमान
अपने पति का देखकर सती सहन नहीं कर पाती और अपने तपो अग्नि में वह अपने आप को भस्म कर लेती हैं। और यह काफ़ी विडम्बना ही है कि वह कनखल जहां पर सती जी का जन्म स्थान है वही उनके मृत्यु का स्थान भी बना। और आगे की कथा आपको पता है, महादेव आते हैं वीरभद्र के रूप में, सर्वप्रथम दक्ष का सर उनके कबंध से अलग कर देते हैं, फिर सभी देवी देवताओं के मनाने के और अनुग्रह करने के बाद वह बकरे का सर लगाकर दक्ष को जीवित करते हैं और माँ सती के पार्थिव शरीर को अपने बाहों में लेकर इस ब्रह्मांड में तांडव करने लगते हैं। और एक एक ऐसा भयावह स्थिति उत्पन्न होती है जिसे ब्रह्मांड के समाप्त होने की एक आशंका बनती है। और पालनकर्ता विष्णुदेव इस स्थिति को देखकर सुदर्शन से माँ सती के उस पार्थिव शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं और वे टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे हैं वह सती शक्ति पीठ कहलाए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य था कि महादेव शिव को उस पार्थिव शरीर से मोह को भंग करना। तो ये सती शक्ति पीठ जो हैं यहाँ पर शक्ति की उपासना होती है और एक ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर आप पहुँचते हैं तो एक ऊर्जा का एहसास तो करते ही हैं। तो यह एक पौराणिक कथा जो हर एक शक्तिपीठ से जुड़ी होती है वह है जय माता दी। तो साथियों, वैसे तो मुख्य गर्भगृह का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी निषेध है, मगर जैसा दर्शन प्राप्त हुआ उसके माध्यम से बताएं तो जब आप मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का प्रतिमा है, उसके बगल में स्वयंभू माता की पिंडी है और उसके बगल में पांडवकालीन मतलब पांडव द्वारा स्थापित जो मूर्ति है या विग्रह है वह माता जी के आप यहाँ पे दर्शन करेंगे। और यह तत्कालीन जो मंदिर है इसे कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में चंद वीर सिंह द्वारा स्थापित है। तो कुछ छोटा सा जो मंदिर के परिदृश्य को लेकर एक अवलोकन था वह मैं आपको बताने का प्रयास किया। और इस मुख्य गर्भ के बगल में महादेव तो विराजित ही हैं, यहाँ पर भी महादेव का जलाभिषेक किया गया और उनका आशीर्वाद लिया गया। तो साथियों, प्रेम से बोलो जय माता दी। कि अपने घर जाया करते हैं तो वहाँ बैठा करते हैं, मेहमानों के यहाँ बस थोड़ा देर रहे और निकल लिए। तो ये तो माता जी हैं, तो हमारी ही माता हैं, तो भाई माता के घर पे कुछ समय तो बिताओगे, बैठोगे। तो वही बैठा जा रहा है और उनका या उनको याद किया जा रहा है, उनका स्तुति किया जा रहा है। कम से कम फायदा भी है ना सुबह आने का, भाई कितना खाली मंदिर में अच्छे दर्शन। हाँ, ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त। और प्रकृति भी अपने सबसे सुंदरम स्थिति में होती है। और ठंडी लगती है, देखिए ना जो शिखर पे पताका है लहरा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हल्की मंद मंद शीतल के साथ हवा बह रही है। और एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष भी है मंदिर के बीचों बीच प्रांगण में। और जिस हिसाब से सुंदरता से इस चैत नवरात्रि में माँ का धाम यह सजाया गया है, अपने आप में ही एक अद्भुत और बहुत एक अच्छा एहसास तो होता ही है। मतलब शुद्धता, पवित्रता, ये सारी एहसास तो मतलब दिव्यता ला ही देते हैं। और जहाँ पर इतनी बड़ी आस्था और माँ का धाम हो तो अपने आप में ही एक अनुपम भाव तो दिल में उठता ही है। फिलहाल 10-15 मिनट थोड़ा साधना करते हैं, फिर आगे यहाँ से आगे चलते हैं साथियों। तो साथियों, अब नैना देवी शक्तिपीठ से प्रस्थान कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं चिंतापूर्णी शक्तिपीठ की तरफ। बस जाते जाते भगवान से यही, माँ शक्ति से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सारी मंगल कामनाएं और पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें। और जाते जाते ये अभी अनुग्रह तो कर ही लें अपने फैन से कि अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस द बेल आइकन टू। जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी। जय बाहर नहीं बाहर।
तो साथियों कुछ इस तरह से अभी सूर्य देव हल्का सा लालिमा जैसे काफी सेडेड है, यहाँ देखिए ब्लैक है, फिर जाके बादल का सफेद है, फिर ब्लैक है, उसके बाद ये धीरे 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 6-7 रंग नजर आ रहे हैं। खूबसूरत, काफी खूबसूरत नजारा है।